इंडिया पाकिस्तान में ये चीज इस्तेमाल नहीं करना। इस बार ये घड़ियां वगैरह भी लेकर आए हैं, वहाँ पर एग्जॉस्ट फैंस वगैरह भी हैं और आपको सिलाई मशीनें नई वाली भी मिल जाएंगी। तो मैं नवीद मलिक आप लोगों के साथ आज फिर से यूपी बोर्ड इतवार बाजार में मौजूद हूं। तो आज हम बाजार के अंदर फिर आए हुए हैं और इतवार बाजार के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं आज। तो पहले तो हमने बाजार घूमा है, घूमने के बाद हम लोग पीछे चले गए थे इतवार बाजार वाली साइड पर। वीडियो की तरफ क्या क्या सामान आज नया हमें नज़र आता है, जैसे कि हमने पिछली दफ़ा यहाँ पर साउंड सिस्टम वगैरह भी ऐड, बहुत सारी चीज़ें ऐड करी थी, कुछ रह गई थी। तो अभी चलते हैं वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर ये पेंटें वगैरह भी पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं, और वादे वगैरह लग रही है यहाँ 200 रुपए में। तो बाजार में आज भी बहुत ज्यादा रश है। हम डायमंड ढूंढे या फिर क्या कहते हैं सोना ढूंढे, तो वो तो अभी ढूंढने में हमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो फिर भी देखते हैं क्या क्या आइटम पड़े हुए हैं, चलते हैं आगे देखते हैं और क्या क्या सामान है। जनाब तो ये मार्केट काफ़ी बड़ी है, क्योंकि कुछ कुछ एरियाज़ मैंने दिखा दिए थे और कुछ कुछ एरियाज़ रह गए थे। तो हमारे भाई एक हमारे को मिल गए, भाई जान इंडिया पाकिस्तान में इस्तेमाल नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम, ये हमारे भाई मिल गए। इंडिया पाकिस्तान में ये चीज़ इस्तेमाल नहीं करना, बाकी जहाँ पर भी आप इस्तेमाल करो चलेगा, आपका सालों साल चलेगा। वो चल रहा है माशाल्लाह, ज़बरदस्त चल रहा है। मैं लेके नहीं आया इस दफ़ा साथ, और पिछले इतवार में देखने की बड़ी कोशिश करी थी, भाई को ढूंढने की कोशिश करी, भाई मिले नहीं थे मुझे। और भाई क्या हाल है, कैसे हो, ठीक ठाक? कहाँ थे आप पिछले इतवार? दोस्त की शादी में गए, दोस्त की शादी में गए हुए थे। तो भाई का ये स्टॉल लगा हुआ है यहाँ पर। अभी तो भाई ने मेरे ख्याल से घड़ियाँ वगैरह भी लिया है। वाह भाई वाह, पिछले इतवार ये घड़ियाँ नहीं थी इनके पास, ये इस इतवार ये घड़ियाँ वगैरह भी लेकर आए हैं, और ये और सामान वगैरह भी इनके पास लेकर आए हैं। ये देखें, ये बड्स कितने के हैं ये वाले, एयरपोर्ट के बड्स कितने के हैं ये वाले? 1350 रुपये के ये बड्स आपको मिल जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर ये 1350 रुपये के मिल रहे हैं, और यहाँ पर ये चार्जर्स वगैरह भी पड़े हुए, बाकी वो सारा सामान वगैरह भी पड़ा हुआ है जैसे कि आप देख सकते हैं। अच्छा जी, तो पर जो है चार्जर और बॉल्स वगैरह भी पड़ी हुई हैं, और बर्नियाँ वगैरह भी पड़ी हुई हैं, और वायरलेस ये सही है ख़राब है कि यहाँ पर सारा सामान आपको पड़ा हुआ मिल जाएगा। ये देखें नवीद ब्लॉग्स, तो यहाँ पर ये सेगा गेम्स वगैरह भी पड़े हुए हैं, ये सारा पुराने गेम हैं, ये पुराने ज़माने के सेगा। और ये देखें ये अपना शुगर टेस्ट वगैरह करने की मशीन भी यहाँ पर पड़ी हुई है, और ये सारा सामान भी पड़ा हुआ है। ये पता नहीं है सही है ख़राब है। अच्छा कितने का ये, ये कितने का है? 600, 500, 600, 800। ओके सही है, सही भी है ख़राब भी है। ये हैं 200, 300, 400, 500 अलग अलग रेट के हैं यहाँ पर, ये सारे पड़े हुए हैं। तो ये माइक्स वगैरह, ये सारा कबाड़ का जो भी सामान चाहिए हो यहाँ से मिल जाएगा। किसी की आईसी वगैरह चाहिए हो तो ये यहाँ से आपको मिल सकती है। और बाकी ये सारा वीजे केबल्स वगैरह, ये देखें ये ऑन है, ये चीज़ भी ऑन है, ये शुगर लेवल चेक करने के लिए, ये शुगर का शुगर वगैरह टेस्ट करने के लिए सारा। ये कुछ इसमें सही है, कुछ इसमें ख़राब है, जो आपकी किस्मत के ऊपर, जो किस्मत से निकल आए आपको जो मिल जाए। बाकी यहाँ पर टेलीफोन के भी पड़े हुए हैं, तो इसके रेट भी थोड़े से ले लेते हैं। अच्छा ये वायरलेस फ़ोन कितने का है? 150 रुपये के, 150 रुपये के, 100 रुपये के आपको ये मिल जाएंगे। चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं और क्या क्या सामान है। तो जनाब हमारे को एक मोटरसाइकिल मिली है धूम 4 की, ये उस कितने की है? ये 3000 की है, ऑन है, ये देखिए धूम 4 की है, 3000 रुपये की ये साइकिल मिल रही है। और रस्सी उसकी टूट गई है किक की, और ये अभी भाई लेके, भाई ने ले ली और लेके भाग रहे हैं। नहीं नहीं ये बेचने वाला। अच्छा ये बेचने वाला। तो जनाब यहाँ पर आपको ये वाला सामान भी मिल जाएगा, ये चूल्हे का सामान भी मिल जाएगा, हथौड़ी वगैरह ये सारा सामान ये भी पड़ा हुआ है, ये भी आपको मिल जाएगा। वहाँ पर स्पीकर वगैरह पड़े हुए हैं, स्पीकर भी आपको मिल जाएंगे। तो एक दो स्पीकर के ये कितने का है बॉस?
हाँ यहाँ पर हर चीज मिलेगी, ये कबाड़ में हर चीज मिलेगी। ये कितने का मिलेगा भाई ये बता दें इसके रेट पहले, जो आप इसको घुमा रहे हैं। ये 4,000 रुपए। और ये स्पीकर वगैरह पीछे जो पड़े हुए इनके क्या रेट है? 2500-3000। ऑन है ना ये स्पीकर? बिल्कुल सारे ऑन है। हाजी साहब इनके ऑनर हैं, जिनको भी चाहिए हो हाजी साहब से आके ले सकते हैं। ये बाजार के अंदर होते हैं, ये इस साइड में बाजार की एंट्रेंस से आते के साथ ही इधर इनका सारा कबाड़ वगैरह लगता है। बाकी ये सारा सामान यहाँ पर पड़ा हुआ है, जैक वगैरह, ये भी सारे लोहे का सामान वगैरह जो होता है, स्पेयर पार्ट हथौड़ी वगैरह, जैक वगैरह सब सामान पड़ा हुआ है। देगे वगैरह भी पड़ी हुई है, चूल्हे बड़े वाले चूल्हे भी पड़े हुए हैं। चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं और क्या क्या सामान है। तो यहाँ पर लेडीज़ के हवाले से भी कुछ सामान वगैरह पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। जो भी रिंग्स वगैरह चाहिए हो यहाँ से निकाल सकते हैं। चूड़ियाँ वगैरह भी पड़ी हुई हैं लेडीज़ के हवाले से पड़ी हुई हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर और सामान वगैरह भी पड़ा हुआ है। तो चलते हैं थोड़ा भाई से थोड़ा सा रेट ले लेते हैं। अच्छा अब इसके क्या रेट हैं? 100 रुपये का एक पीस है, ये 100 रुपये का एक पीस है। यहाँ पर ये सारी चूड़ियाँ वगैरह पड़ी हुई हैं, पिस्टल तांबे की, सारे तांबे की चूड़ियाँ वगैरह पड़ी हुई हैं। और यहाँ पर ये देख लें कि रिंग्स वगैरह भी पड़े हुए हैं यहाँ पर, सबके एक ही रेट हैं 100 रुपये। जो भी आप ले लें वो देखें, वो रेट को चीज़ भी पड़ी हुई है, हाथ का कड़ा वगैरह भी पड़ा हुआ है। चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं और क्या क्या सामान है। तो यहाँ पर बेल्ट्स वगैरह भी पड़े हुए हैं, ये देखें बेल्ट्स वगैरह भी पड़े हुए हैं। थोड़े से देखते हैं बेल्ट्स के रेट वगैरह भी पूछते हैं, क्या हिसाब किताब है। बॉस कितने का है ये बेल्ट? हाँ बॉस कितने का है? 150। सारे 150-150 रुपये के हैं, अलग अलग रेट हैं। ये 150 रुपये के हैं, इनके अलग अलग रेट है बाकी सारे बेल्ट्स के। और देखते हैं आगे की तरफ और क्या। बाज़ार में रश भी बहुत है जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा रश है। हद से ज़्यादा थोड़ा चलने में और वीडियो बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन कर रहे हैं हम कोशिश कर रहे हैं कि वीडियो वगैरह बना लें परफ्यूम। आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या क्या सामान है। ज़्यादातर जो है इस टाइम पर जो है पेंटें शर्टें लगी हुई हैं, और काफ़ी सारा सामान नया है, अलग अलग रेट हैं सबके। ये बुक्स वगैरह भी हैं यहाँ पे, डाइजेस्ट वगैरह, बुक्स वगैरह, ये सारा सामान यहाँ पर है। क्योंकि लोग काफ़ी लोग डाइजेस्ट वगैरह के भी शौकीन होते हैं, तो यहाँ पर हर डाइजेस्ट आपको पड़ी हुई मिल जाएगी यहाँ पर। ये देखें ये सारी डाइजेस्ट वगैरह भी यहाँ पर पड़ी हुई हैं, और डाइजेस्ट वगैरह भी हैं यहाँ पर। अभी शाहजहाँ कोई डाइजेस्ट देख रहा है कि कुछ समझ में आती है पुराने ज़माने की, पुराने लतीफ़े वगैरह सब सामान यहाँ पर पड़े हैं। वो डाइजेस्ट वगैरह वहाँ पर भी पड़ी हुई है, और यहाँ पर भी डाइजेस्ट वगैरह पड़ी हुई हैं। ये देखें यहाँ पर भी डाइजेस्ट वगैरह यहाँ पर मौजूद है, और पीछे सोफे वगैरह बेड वगैरह भी मौजूद हैं। तो अलग अलग रेट हैं, आप लोग खुद आएँ देखें ज़रा रेट्स वगैरह कंफर्म करें, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया हम लेट आए हैं, तो वीडियो बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं और क्या क्या सामान। तो यहाँ पर टॉवल्स वगैरह भी पड़े हुए हैं, थोड़े से टॉवल्स वगैरह के रेट ले लेते हैं। बस कितने का दे रहे हैं टॉवल? 300 का वन पीस है, और 500 का पेयर है। हाँ भारी वाले पीस हैं, मोटे और भारी वाले पीस हैं, और बड़े बड़े साइज में भी हैं, और छोटे 150 के दो भी हैं। 150 के दो भी, और बड़े वाले साइज़ के क्या प्राइस हैं? 400 रुपये का एक है, 800 रुपये का पेयर इतना बड़ा। 400 रुपये का एक है और 800 रुपये का पेयर है। पेयर कितने का है? 700 का पेयर है, और ये बड़ा टावल है देख सकते हैं जी। 100 रुपये डिस्काउंट है, ये 100 रुपये डिस्काउंट है। ये आप देख सकते हैं ये बड़े वाले टावल है। वो जो आप लेंगे तो भाई कह रहे हैं कि अगर और कम बोलते हैं तो हम कर देते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। कि हमारे पास ये टावल्स पड़े हुए हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर टावल्स वगैरह पड़े हुए हैं जिनको चाहिए, अलग अलग कलर्स वगैरह के भी पड़े हुए हैं। ये वाले भी बड़े वाले भी पड़े हैं, 100 रुपये का पेयर भी है, 150 रुपये का पेयर भी है, 700 रुपये का पेयर भी है, 500 रुपये का पेयर भी है, और 250 रुपये का पेयर भी है। जो जितने यानी कि कहते हैं ना, जितना गोल्ड डालोगे उतना मीठा होगा। ये देखें ये आपके सामने सारे टावल्स वगैरह ये भाई यहाँ पर इंस्टॉल लगाते हैं बिल्कुल बाजार के एंड की तरफ। जिन भाई को भी चाहिए हो यहाँ से आके वो ले सकता है। शुक्रिया, चलते हैं आगे वीडियो की तरफ, देखते हैं और क्या क्या सामान है। ये चाइना का दंग फोटो आ गया जनाब, ये गाड़ियों के दंग के लिए ले जाना मेरे भाई। ये साइकिल साइकिल मोटर का दंग उतारे, चमकाए तो नया बनाए, ऐसा चमकाए के चेहरा नजर आए, पुराने स्टील को नया बना दे। स्टील के चूल्हे, मार्बल, बेसन, गीजर, शावर, हर चीज को करे मिनटों में था। बॉस कितने का दे रहे हैं? 30
30 का 1 है, 50 का 2 ये जंग उधर जाता है जी सर। ये देख लें सर, जैसे अभी आपके सामने भाई ने कपड़ा मार के और ये देखें ये फुहारा मारा थोड़ा सा और ये फिर से कपड़ा मारा, ये देखें थोड़ा सा कपड़ा मारेंगे और ये जंग आपका मिनटों में गायब। सिलेंसर वगैरह का जो भी है तो नया बनाए, रिम सिलेंसर, इंडिकेटर, मडगार्ड, हैंडल, जंपे, ग्लास, इशारे वगैरह था, ये जंग महल को करे मिनटों में था। ऐसे रेट पूछते हैं बॉस, ये कितने का है? 200 रुपए का है। ये 200 रुपए का है आरी वगैरह ब्लेड वगैरह काटने के लिए, यानी लकड़ी वगैरह काटने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है, और लकड़हारे वगैरह जो होते हैं कारपेंटर वगैरह होते हैं उनके लिए बड़ी जेन्युइन चीज़ है। ये यहाँ का नहीं है, बाहर का है। 200 रुपए सिर्फ। ये पंखे वगैरह भी पड़ा हुआ है वहाँ पर, क्यूबी की डिवाइस वगैरह भी पड़ी हुई है। चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं और क्या क्या सामान है। जनाब यहाँ पर बाइक के हेलमेट्स वगैरह भी पड़े हुए हैं, हेलमेट वगैरह भी यहाँ पर पड़े हुए हैं, बैक लाइट्स वगैरह भी यहाँ पर पड़ी हुई हैं, और स्विच वगैरह भी वहाँ पर पड़े हुए हैं। और चलते हैं आगे की तरफ और क्या क्या सामान है। बहुत ये ट्यूब कितने की है? हाँ ट्यूब का रेट पूछ रहा हूँ खाली, आप बताओ ना, हमें तो पता है ना मार्केट में। हाँ 250 रुपये की है अभी ये, यहाँ पर बाजार के अंदर 250 रुपये की मिल रही है, वैसे बाहर जाके ले तो 350 रुपये की ट्यूब है। ये सर्विस वालों की है ना? सर्विस वालों की ट्यूब है, 250 रुपये की मिल रही है। और अंकल के पास यहाँ पर काफ़ी सारा सामान पड़ा हुआ है, तो ये रील्स वगैरह भी पड़ी हुई हैं यहाँ पर, और ये सूट्स वगैरह भी पड़े हुए हैं। तो चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं और क्या क्या सामान है। ये हमारे भाई हमें मिल गए, देखते हैं। ये पर्स वगैरह भी यहाँ पर मौजूद हैं इसमें, ये देखें सारे पर्स वगैरह भी यहाँ पर पड़े हुए हैं। ये पर्स कितने का? ये वाला 250 रुपये का, सारे 250 रुपये के। अलग 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 प्राइस हैं सबके, अलग अलग प्राइस हैं। सिर्फ एक का मैंने आपको पूछ के बता दिया 250 रुपये, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है और वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा बनानी थी, इस वजह से जो है थोड़ा जल्दी जल्दी में हम आगे की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, और ताकि जल्दी जल्दी हमारा वीडियो कम्प्लीट हो जाए। तो यहाँ पर न्यूबॉर्न बच्चों के कपड़े वगैरह भी पड़े हुए हैं, अभी इनसे थोड़ा सा रेट वगैरह ले लेते हैं कि क्या रेट है। बहुत ये इसके क्या रेट हैं? डेढ़ सौ का एक 250 के 2 ये अंकल दे रहे हैं 150 का 1। ये न्यू बॉर्न है या बॉस? कितने साल के बच्चों का है? बाबा बेबी सूट है, इसमें छोटे भी हैं बड़े भी हैं। बाबा बेबी सूट हैं, छोटे भी हैं बड़े भी हैं। बाबा बेबी सूट हैं, छोटे भी हैं बड़े भी हैं, जो जिसको चाहिए यहाँ से ले ले। चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं और क्या क्या सामान है। तो जनाब यहाँ पर एयर पंप वगैरह भी पड़े हुए हैं यहाँ पर, ये देखें ये सारा सामान पड़ा हुआ है। अच्छा एयर पंप कितने का है? ये 600 रुपये का, 7 वाला 500 का। ये 600 रुपये का, 7 वाला 500 रुपये का है। तो इसमें क्या खासियत है? ये अपना क्या कहते हैं, गाड़ी के हवा वगैरह भी भर सकते हैं? साइकिल, मोटरसाइकिल, कार दोनों की, यानी कि हवा भर सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। तो यहाँ पर ये सारा सामान पड़ा हुआ है कि ये हवा वगैरह अगर कहीं निकल जाती है तो हवा वगैरह, उसके वो वाला पंप भी पड़ा हुआ जो उससे बैटरी से चलता है, बैटरी से हवा वगैरह भरने के लिए। चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं और क्या क्या सामान है। ये बच्चों की साइकिल्स वगैरह भी पड़ी हुई हैं घूमने फिरने के लिए, ताकि बच्चे वगैरह कहीं आगे पीछे जाने के लिए। आयशा ये कितने की है? वो 4,000 की है, 4,500 रुपये की है। चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं और क्या क्या सामान है। तो यहाँ पर एक हेलमेट भी पड़ा हुआ है हार्ट बॉल वगैरह के लिए, जिसको हेलमेट वगैरह चाहिए हो तो वो यहाँ से आके ले सकता है। सारा ये सामान इधर ही आपको मिलेगा। यहाँ पे ताले वगैरह भी पड़े हुए हैं। कहाँ पर PS2 पड़ी है भाई? कहाँ पर है? अच्छा ये PS2 भी पड़ी हुई है यहाँ पर, PS2 वगैरह भी पड़ी है वहाँ पर, वो सारा सामान पड़ा हुआ है। बाकी आगे देखते हैं और क्या क्या सामान है। आज तो वही बाजार के अंदर काफ़ी अच्छा सामान नज़र आने लग गया है, कबाड़ के अंदर तो खिलौने वगैरह बच्चों के जो हैं वो भी मिलने लग गए हैं। ये देखें आजकल बाज़ार में एक डायलॉग बड़ा चल रहा है, चाइना बना दे आईना। तो यहाँ पर ये बच्चों के गेम्स वगैरह भी हैं खेलने के लिए, ये भी सामान है। आ जाए माजी, तो ये देखें हर चीज़ यहाँ पर मौजूद है। ये लैंप वगैरह भी है। बाकी जो चीज़ आपको ढूंढनी हो यहाँ से, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे उसके वायरलेस के कार्ड्स वगैरह भी पड़े हुए हैं यहाँ पर। ये कैंप लैंप वगैरह भी पड़े हुए हैं, स्पीकर्स भी पड़े हुए हैं। सब सामान के रेट्स अलग अलग हैं, आप आएँ देखें जो चीज़ आपको पसंद आए आप ले सकते हैं। यहाँ पर नेट वगैरह भी पड़े हुए हैं, ये नेट वगैरह भी पड़े हुए हैं खेलने के लिए। ये
की बोर्ड्स वगैरह भी यहाँ पर पड़े हुए हैं। पूछते हैं बॉस। हाँ, 300 रुपये का है ये कीबोर्ड, 300 रुपये का है। अच्छा, ये कितने का है? ये कितने का है? 1000 रुपये का। ये 1000 रुपये का लैंप मिल जाएगा, कहीं पर भी लगा कर आप चला लें इसको। यहाँ पर पंखे, टैंकर, चार्जर, बैटरी, हर चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। डेटा केबल्स वगैरह भी यहाँ पे पड़ी हुई हैं, छोटे छोटे पंखे वगैरह भी पड़े हुए हैं, सारे चार्जेबल पंखे वगैरह भी पड़े हुए हैं। चलते हैं आगे। तो ये देखें, ये सारा सामान इस तरह पड़ा हुआ होता है, और ये पेड्स वगैरह जो बाइक्स वगैरह चलाते हैं, और ये पहन के घूमने के लिए सारा सामान यहाँ पर पड़ा हुआ है। ये देखें, यहाँ पर तो सारा कबाड़ ऐसा सामान पड़ा हुआ है, सस्ता सस्ते रेट में। मैं खुद देख के हैरान रह गया हूँ। ये देखें, ये क्या चीज़ है बॉस, ये क्या है? मेरे ख्याल से ये कुछ खाना वगैरह सर्व करने के लिए। और ये बर्निया वगैरह भी यहाँ पर पड़ी हुई है, ये बर्निया नमक वगैरह मिट्टी वगैरह डालने के लिए, गिलास वगैरह यहाँ पर, और उसका सेट्स वगैरह भी यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो देखते हैं आगे की तरफ। बहुत सामान है यहाँ पर, तो हद से ज़्यादा सामान है। ये देखें, सारा इस तरह पड़ा हुआ होता है कचरे में। तो भाई, ये बड़े लोग जो गोल्फ खेलते हैं, तो ये गोल्फ का सामान भी यहाँ पर मौजूद है। गोल्फ वगैरह खेलने के लिए गोल्फ का सामान भी यहाँ से आप ले सकते हैं। बाकी ये काफ़ी कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं यहाँ पर, तो चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं क्या क्या है। अच्छा, तो ये जो अभी मैं वीडियो बनाई है मैंने, तो ये पीछे बाज़ार जो है ना, ये पीछे बैक साइड पर लगता है। ये सारा कबाड़ बाज़ार जो है ना, ये कबाड़ बाज़ार सारा बैक साइड पर लगता है। यहाँ पर सारा कबाड़ का सामान पड़ा हुआ होता है, सारा ज़मीन के ऊपर इस तरह रखा हुआ होता है, और यहाँ पर ही सेल हो रहा होता है, और बहुत सस्ते दामों में सेल हो रहा होता है। तो देखते हैं आगे की तरफ और क्या क्या सामान पड़ा हुआ है। बहुत, यानी कि इधर इस तरफ पीछे वाली साइड पर आएँ तो बहुत सारा सामान है। देखें यहाँ पर, ये बच्चे का वो भी पड़ा हुआ है। ये देखें, ये अभी शाहजहान भाईजान कुछ चीज़ ढूंढने लग गया, 125 का उनको मीटर मिल गया, वो देख रहे हैं। और यहाँ पर किसी को कप वगैरह चाहिए वो भी मिल जाएगा। गाड़ियों के हेडलाइट्स वगैरह भी यहाँ पर पड़ी हुई हैं, और ये किचन का जो है वो रखा हुआ होता है, वो भी यहाँ पर पीछे बैक साइड पर ये बाज़ार लगता है। तो ये बैक साइड पे ये बैटरियाँ वगैरह भी यहाँ पर पड़ी हुई हैं। और बॉस, ये मशीन कितने की है? ये वाली 4000 रुपये की, ये मशीन यहाँ पर मिलेगी 4000 रुपये की। और ये पंखा 1500 रुपये का, ये पंखा यहाँ पर आपको 1500 रुपये का मिलेगा। तो ये बाइक का भी यहाँ पर आपको लीवर्स वगैरह मिल जाएंगे, और ये धागे वगैरह भी यहाँ पर मिल जाएंगे, लेस वगैरह भी आपको यहाँ पर पड़ी हुई मिल जाएगी। तो यहाँ पर जग, गिलास, सारा कप वगैरह भी यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो ऐसा भी, गिलासों के क्या रेट हैं? 300 रुपये के 6 हैं। और ये वाला जग गिलास का सेट 700 रुपये का, ये 700 रुपये का, और 300 रुपये का आपको ये मिल जाएगा। और ये कपों के क्या रेट हैं? 250 रुपये के। और वो वाले, और ये प्याले, 100 रुपये के 4। तो यहाँ पर देखें आपको ये सारी चीज़ें इस तरह के रेट से मिल जाएंगी, और बहुत सारी, यानी कि कुछ मुनासिब रेट हो जाएंगे अगर बिल्कुल होल सेल के रेटों में आप दे रहे हैं। चलो, ये यानी कि ये होल सेल रेट ही आप दे रहे हैं। चलो जी, ये यहाँ पर सारा होल सेल रेट पे ही मिल रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा पर्दों वगैरह का पूछ लें। ये यहाँ पर पर्दे वगैरह भी पड़े हुए हैं, यहाँ पर सारे पर्दे वगैरह भी यहाँ पर पड़े हुए हैं। ये देख सकते हैं आप, अलग अलग रेट के पर्दे हैं यहाँ पर। ये अगर किसी को पर्दे वगैरह चाहिए हो तो वो यहाँ से परचेस कर सकता है। और शर्टें वगैरह, और ये लेडीज़ पजामे वगैरह भी यहाँ पर हैं, लेडीज़ के, ये लेडीज़ के पजामे वगैरह भी यहाँ पर हैं। बस कितने का पजामे है? 100 रुपये का। 100 रुपये में दे रहे हैं, सारे 100 रुपये के, सारे 100 रुपये में दे रहे हैं ये। और ये शर्टें वगैरह, ये भी 100 रुपये, ये भी 100 रुपये के रेट हैं। तो यहाँ पर तकिए वगैरह भी पड़े हुए हैं, जिसको तकिए वगैरह चाहिए हो तो वो यहाँ से तकिए वगैरह भी ले जा सकता है। जैसे कि बॉस, ये कितने का दे रहे हैं? ये 150 का एक, 250 का दो। 150 का एक, 250 का दो। और ये, ये एक ही रेट है, सब एक ही रेट है, 150 का एक, 250 के दो। ये 150 का एक और 250 के दो मिल रहे हैं यहाँ पर सारे। ये देखे, तकिए वगैरह पड़े हुए हैं, और आगे ये बैग्स वगैरह, ट्रैवल के लिए बैग्स वगैरह किसी को चाहिए हो तो। हाँ, क्या चीज़?
ट्रैवल आउट हो जाते हैं। हाँ, ट्रैवल्स के लिए बैग वगैरह पड़े हैं, बैग वगैरह भी यहाँ पर मौजूद हैं, ये सारे सामान यहाँ पर है, पड़ा हुआ है और काफ़ी सामान है। चलते हैं हम आगे की तरफ, देखते हैं और क्या क्या सामान है। यहाँ पर एग्जॉस्ट फैंस वगैरह भी हैं, एग्जॉस्ट फैंस वगैरह घर पे लगाने के लिए बाद का 220 हैं। क्या प्राइस है? अच्छा चले अच्छा अच्छा हाँ अच्छा, ये 1000 रुपये का और 1200 रुपये का। ये एग्जॉस्ट ऑन है ना सारे? ओके अच्छा, ये ओके होते हैं, रिकंडीशन होते हैं बिल्कुल सारे, सब ओके होते हैं। कॉपर में है या उसमें सिल्वर में? अच्छा, ये ज़्यादातर जापान और थाईलैंड वगैरह के होते हैं, ये बाहर के होते हैं। अरे यहाँ पर ये देखें, ये पूरा सेट वगैरह पड़ा हुआ है घर का डाइनिंग के लिए। और ये आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या क्या है। और ये भी सामान देखें पड़ा हुआ है, और वाह कैमरे वगैरह भी पड़े हुए हैं। तो हमें ज़रा जल्दी आना चाहिए था पहले, क्योंकि 12 बजे हम लोग यहाँ पहुँच जाते तो सामने वाले बंदे को फोन करता क्या। हाँ, पर आपको सिलाई मशीनें नई वाली भी मिल जाएंगी। बहुत सी नई है, पुरानी है नहीं है, थोड़ी सी इस्तेमाल है। ये वाली बिल्कुल नहीं है। इसके क्या प्राइस है? 6000 रुपये प्राइस है। और इनके 4000 प्राइस हैं। देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल नई जैसी ही लग रही हैं। ये रिपेयर हुई भी है या रिपेयर हुई भी हैं? ये थोड़ी रिपेयर हुई भी हैं, लेकिन 4000 रुपये की ये नई वाली बिल्कुल पड़ी हुई है। ये आपको 6000 रुपये की मिलेगी। तो जनाब चलते हैं वीडियो की एंड की तरफ, और हमारी वीडियो हो गई है एंड, और अभी हमारा काम हो गया ख़त्म। चलते हैं वीडियो की एंड की तरफ और अभी निकलेंगे घर के लिए। तो आज हमने बहुत सारा सामान इसके अंदर ऐड किया है, और काफ़ी आज इस दफ़ा हमने बहुत सारा सामान इसके अंदर ऐड किया है। और तो सस्ता सामान मिलता है जैसे ज़मीन पे पड़ा हुआ, और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वहाँ पर। सारा अमेरिकन सामान है, सारा ये सामान पड़ा हुआ है। तो अभी हम चलते हैं वीडियो के एंड की तरफ। अल्लाह हाफिज़।